हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज आप लोगों का मॉक टेस्ट था। जैसे कि मॉक टेस्ट इट मींस ये होता है कि सबसे पहले बहुत लोगों को तो मॉक टेस्ट का मतलब नहीं पता होगा, फिर होगा फिर उन्होंने ओपन किया, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, मुझे पता है बहुत सारे कन्फ्यूज़न हुए होंगे क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने मतलब इस तरह कभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो आपको बहुत सारा दिक्कत आया होगा आज, तो मुझे पता है। तो यही सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं आज, तो जितनी मैं समझ पाई हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हुई उनका सलूशन तो मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगी। अगर उसके अलावा कुछ बच जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। और एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल का बता दीजिए, तो मैं इसके बाद जो आपके वीडियो लाऊँगी उसमें आपको साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल का लाऊँगी, उसमें बता दूँगी कि साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कब होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या करना होता है, मैं सब बता दूँगी इसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपके मॉक टेस्ट के बारे में कैसे क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो मॉक टेस्ट आज आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट मतलब कि जो आप एग्ज़ाम दोगे ना अपने सेमेस्टर का, बी फर्स्ट ईयर वाले चाहे किसी भी कहीं का भी, मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो मॉक टेस्ट मतलब उसकी रिविजन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला था तो उसका मॉक टेस्ट होता है, तो उस मॉक टेस्ट जो होता है तो मतलब क्या उस एग्ज़ाम का रिवीजन याद कराने के लिए। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएचयू में, मतलब बीएचयू का सेमेस्टर का, तो उसका यहाँ पे क्या होगा प्रैक्टिस कि आप उस टाइम पोर्टल में आपको लेट ना हो, पोर्टल में जैसे आप कर रहे हैं आपको पेपर ही लिखने में लेट हो गया तो आपसे सबमिट नहीं हो पा रहा, आपको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिक्कतें ना आए इसलिए आपको पहले से इसलिए मॉक टेस्ट एक दिला दिया जा रहा था कि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो मैं सबको उन बच्चों के लिए मैं मान के चलती हूँ आपको कुछ नहीं पता, एकदम शुरू से सब कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है, bhu.online.in करना है, फिर आपको वो जैसे कि आप लोग, मैं अपने आप फ़ोन पे आप लोगों को कर करके दिखाती हूँ तो शायद आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। इतना तो खैर सब कर लिए होंगे अभी तक, क्योंकि इतनी बार पोर्टल ओपन किए होंगे आप लोग, तो गूगल गए, bhu.online गए, ऑनलाइन पर गए, फिर साइट पर लगी bhu.online.in उस पर गए, फिर bhu.online.in पे जाने के बाद एक ऐसा खुल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे खुल जाता है। तो अब इस पर क्या करना होता है ना कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाना होता है, आप लोगों का तो अपना पोर्टल सबका होगा, तो हम स्टूडेंट पोर्टल पे गए, फिर अपना आईडी अपना पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे, ये तो इतना सबको पता है, वो मुझे पता है, फिर ये आपका पोर्टल खुल गया। देखिए अभी मेरे में भी मॉक टेस्ट शो कर रहा है, अच्छा लगता है सबके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबके में शो कर रहा है। देखिए मेरे पोर्टल पे भी मॉक टेस्ट शो कर रहा है, देखिए आप देख रहे होंगे इसमें जैसे सारा सब कुछ आपके पोर्टल में, तो ये तो लाइव टेस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, शायद आप लोगों में भी शो कर रहा होगा, अभी इसका कोई मतलब नहीं। तो मॉक टेस्ट, तो जैसे आप इस मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक, तो अभी तो बता रहा है कि कोई भी देर इज नो एग्ज़ाम फॉर्म इन द टर्म, नो शेड्यूल फॉर टुडे, कोई शेड्यूल नहीं आता। तो जैसे अगर आप शेड्यूल रहता है कुछ ऐसा रहता तो ये आपका खुलता, यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप, अब मैं थोड़ा बोर्ड में बताऊँगी पता नहीं आप लोगों को फ़ोन पे क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जैसे आपका ये वाला इंटरफेस, आप इस ये वाला इंटरफेस अच्छे से देख लें, ये वाला इंटरफेस जो भी है, ये वाला इंटरफेस जो है, ये वाला इंटरफेस आपने देखा जो है ना, इस इंटरफेस में जिधर इधर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे, ठीक। तो इस इंस्ट्रक्शन को पूरा ऐसे इस आप स्लाइड करेंगे, बगल में ना इतना लंबा सा होगा, उसमें एक स्लाइड सा होगा गोला सा, उसको ऐसे खींचेंगे नीचे के साइड या ऊपर के साइड, तो जो अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए ना वो पेजेस ऊपर नीचे होंगे, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम के उससे हैं उसमें, मतलब सारी चीज़ें बताएंगे कि 4 घंटे का पेपर होगा, कितने 4 क्वेश्चंस होंगे और 1 क्वेश्चन 17.5 मार्क्स का होगा। देखिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 4 होंगे। उसके बाद में जो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे, ईच क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन जो होता है उसका मार्क्स क्या होगा, 17.5, 17.5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन का आंसर 17.5 नंबर का, और 1 क्वेश्चन लिखना कितने, ये मार्क्स हो गया, ईच क्वेश्चन 17 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन लिखना कितने में है, जो पेज होगा 1 क्वेश्चन के लिए वो पेज होगा, तो हम लोग का वो होगा हमारा 3 पेज और A4 साइज पेपर पे,
A4 साइज पेपर पे, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपको एक दूसरे का कॉपी जैसा नहीं होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। अगर आपका सबमिट नहीं हो पाता है तो उसके लिए अलग साइट दी हुई है, आप वहाँ पे अपना वीडियो बना के सबमिट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, आप टाइम से नहीं जमा कर पाए तब अगर टाइम से नहीं जमा करने का इन द सेंस कि जैसे आप पोर्टल कई बार होता है कि अचानक से हैंग कर जाता है, काम नहीं करता है, अगर आप लिख लिए हो नहीं कर पाए तो तुरंत क्या करना है, उस साइट जो है जो बताए गए टीचर्स उस पर आपको सबमिट करना है, उस पर आपको सबमिट करना है। इन द सेंस अगर आप ये कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर करते रहते हैं थोड़ी देर बाद कर देंगे सबमिट क्या करना है, लेकिन ऐसा मत करिएगा। अगर लेट हो जाता है फिर रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो फिर आराम से आप जल्दी टाइम के अंदर 4 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर करने का सोचिएगा। जैसे 11 बजे से पेपर शुरू होगा आपका और आपका चलेगा 3:30 तक। आप तो कहेंगे 4 ही घंटा का टाइम है, यहाँ ज़्यादा आधा घंटा देंगे क्योंकि 11 से 3 बजे तक ही 4 बजे पर प्लस आपको आधा घंटा यहाँ देते हैं ताकि आप अपना आराम से सबमिट वगैरह कर लें, ठीक। तो 11 बजे से 3:30 तक आपको समय मिलेगा आराम से, लेकिन आप यही करिएगा, आप ये आपको बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने दिया जो पेपर उससे मुझे यही समझ में आया। मेरा भी एक बार क्या हुआ कि पेपर लास्ट के 5 मिनट में मेरे 8 पेज बचे थे, 5 मिनट बचा था, मुझे 8 पेज सबमिट करने थे, तो अपलोड होने में थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय, 1-2 मिनट का समय लगता है। तो क्या हुआ कि मेरा अचानक से ही पोर्टल उसमें सबमिट ही नहीं हो रहा है, ऐसे लोड 23% 53% अपलोड होते होते रुक गए, और फिर लगा एग्जाम इज ओवर, थैंक यू सो मच, मेरा होश ही हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कॉल वॉल किया, फिर जो मैम ने साइड बताया उसको वीडियो बना के सबमिट किया अपना। तो ये चीज़ें हुआ, तो आप ऐसा करिएगा, अगर आप पहला क्वेश्चन, मैं एग्ज़ाम के पर्पज से बता रहा हूँ आप लोग को कि आई थिंक ये मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट जो समझ लिया होगा उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये सुन लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम में आप पहला क्वेश्चन लिखें और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखें, 4 क्वेश्चन होने, पहला दूसरा लिखने के बाद दोनों का आप दोनों क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। मैं बता रही हूँ कि अपलोड कैसे करना, जो बच्चे नहीं जान पाए उनके लिए मैं बता रही हूँ कैसे अपलोड करना। पहला दूसरा करने के बाद तुरंत अपलोड कर दें, ठीक। उसके बाद क्या, तीसरा लिखिए तुरंत अपलोड कर दें, चौथा का 2 पन्ना लिख लें तुरंत अपलोड कर देंगे, समय कम है तो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप पहला दूसरा लिख लिए अपलोड कर दिए, ठीक, तीस, क्योंकि अगर इकट्ठे लास्ट में रखेंगे ना तो हम लोग को टाइम का पता नहीं चलता, हम लोग सोचते हैं थोड़ा और लिख लें थोड़ा और लिख लें और हम लास्ट में पोर्टल थोड़ा सा हैंग करता है और सबमिट नहीं होता है। तो पहला दूसरा करके पहले याद रखिएगा, पहले पहला क्वेश्चन, मतलब जो भी आप क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, उन 8ों में से कोई 4 करना होगा आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन आपको 8 अवेलेबल रहेंगे उसमें से सिर्फ 4 करना होगा आपको, और आपको ये करना होगा कि पहले पहला और दूसरा जो भी आप उस 8ों में से जो भी आपको करना होगा, तो जो आप पहला दूसरा लिखेंगे उसको लिख के तुरंत सबमिट कर देंगे पहला दूसरा, फिर क्या करेंगे कि तीसरा लिखेंगे फिर करेंगे, और फिर चौथा में अगर 5 मिनट का टाइम है तो आप चौथे का 2 पन्ना लिख लिए तुरंत सबमिट कीजिए, और उस 5 मिनट का टाइम में अब आप जितना भी लिख पा रहे हैं, आधा पेज लिख पा रहे हैं, 5 लाइन लिख पा रहे हैं, लास्ट में 2 मिनट में बचा तो 1 पेज फट से कर लेंगे, 1 पेज में अगर 2 मिनट में बचा है तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा पहले पहला दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर सबमिट करिएगा, फिर तीसरा लिखने के बाद तुरंत सबमिट कर दीजिएगा, फिर चौथे में आप जितना भी पेज अगर 2 पेज लिख लें तुरंत सबमिट करिए, उसके बाद समय अगर आपके पास लग रहा है कि 5 मिनट भी है तो लास्ट पन्ना जो भी है लिखते रहिए लास्ट में सबमिट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, इन सब बातों का ध्यान रखिए, कोई पेपर छूट जाता है फिर बहुत रोना धोना होता है कि इतना मेहनत करूँ और ये सारी चीज़ें, और पेपर अगर जिन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, पेपर आराम से हो जाना है कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर भी यही लग रहा था, तो पेपर भी टाइम बिल्कुल नहीं, पेपर बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, और मतलब होता है कि और टाइम मिल जाता तो, क्योंकि और दूसरी बात ये भी रहती है ना कि लोग सोचते हैं बहुत सारा टाइम है आराम से लिख लेंगे क्या करना, और पहले दूसरे टाइम पेपर पहले दूसरे क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर समय नहीं बचता है, पहले दूसरे में उतना ही नंबर मिलेगा ना, 70 बहुत भी अच्छा लिखेंगे 70 मिलेगा, अब बाकी दूसरे में एकदम गायब कुछ भी नहीं लिखेंगे, समय नहीं बचेगा तो वैसे भी 0 हो जाना है, वही ठीक नॉर्मल सब में लिख लीजिए ताकि आपका सारा कवर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, तो आपको क्वेश्चन बता दिया 4, एक क्वेश्चन 17.5 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन में 3 पेज लिखना है, A4 साइज पेज पे लिखना है, और आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि फ्रंट पेज पे हमें कैसे लिखना है, तो मैं आपको बता दूँ अभी कि पहले मॉक टेस्ट, नहीं पहले मॉक टेस्ट बता देती हूँ फिर आपको, और ये जो टाइमिंग थी, ठीक, ये सारी चीज़ें हुई, और मैं आपको मॉक टेस्ट पूरा बता देती हूँ फिर बताऊँगी एग्ज़ाम के बारे में कि फ्रंट पेज पे कैसे लिखना है और क्या करना है, ठीक है। तो देखिए
जो हमारे मॉक टेस्ट है आपको दिखाया कि bhuonline.online खोलना है, फिर स्टूडेंट पोर्टल पे अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद पोर्टल खुलेगा नीचे। अभी तो मॉक टेस्ट था तो आपको मॉक टेस्ट ही बता रहे हो, उस टाइम लाइव टेस्ट रहेगा, लाइव टेस्ट का ऑप्शन है, लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करिए। तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा इधर, उस पर ग्रीन कलर की मोटी सी स्ट्रिप बनी होगी, उस स्ट्रिप को क्लिक करेंगे। और हम अभी भी अगर आप खोलेंगे अपना मॉक टेस्ट ना, तो इधर एक इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक है, उसमें लाइन ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पूरा खुलेगा, ऊपर नीचे होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसको खुद से भी पढ़ लें। मेरी मेरी बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, मेरे दिमाग उतना याद नहीं, तो बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से भी पढ़ लें उसको एक बार, वो होगा। और उसके बाद में क्या होगा कि उस दिन, अभी तो यहाँ दिखाएगा कि कोई शेड्यूल नहीं है, कोई एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं, लेकिन जब जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन क्या होगा, यहाँ पे दिखाएगा एक ग्रीन कलर का, जब टाइम हो जाएगा जैसे ही ग्यारह बजेगा यहाँ ग्रीन कलर से एक स्ट्रिप बनेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या खुलेगा, एक पेज खुलेगा जिसमें क्या होगा ना कि आपका इधर जो होगा आपके बारे में, ठीक है, क्लिक किया आपने ग्रीन कलर के स्ट्रिप पे, उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा, उसमें क्या होगा ना इधर एक इतना लंबा सा होगा, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका कुछ ऐसे लिखा होगा, यहाँ क्वेश्चन पेपर होगा और इधर की साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, ऐसे करके ब्लॉक बना रहेगा, ठीक। और यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन रहेगा, आप जितने पेज अपलोड करोगे ना वहाँ यहाँ पर शो करने लगेगा 1, 2, 3 जितना पेज यहाँ लिख देगा, इतना पेज आप अपलोड करोगे, तो इसलिए अच्छा रहता है कि हम देख पाते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ एक डिलीट का ऐसा डब्बा बना रहेगा, अगर आपको ये जो अपलोड किया उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा ना, ये दो ही लाइन रहती है हाँ, और उसके बाद में यहाँ जो लिखा था सेल लिखा रहेगा चाहे क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक। तो इस पे जाके आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे ना तो ऐसे खुल जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा लिखा रहेगा। तो जो क्वेश्चन आप अपलोड कर रहे हैं, आप अगर जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है उसका आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक, तो आप 4 पे क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक किया फिर ये नीचे पेज नंबर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पेज नंबर लिखा होगा, तो आप क्या करेंगे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर का ऐसे खुल जाएगा, ठीक, तो पेज नीचे खुलेगा, आपको ऊपर बता रहे हैं पेज नंबर पे खुल जाएगा, तो आप क्या करेंगे ना लगा आपका, तो उसमें पेज नंबर 1, 2, 3, 4 जो बहुत सारा रहेगा, वैसे तो बहुत सारा नहीं खुलेगा, अगर आप जो आपको करना रहेगा वही अपने आप के ऑप्शन में आ जाता है, अगर पहला कर रहे हैं तो पहला कर चुके हैं तो फिर दूसरा आता है, तो आप उस हिसाब से उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे एक बन के ऐसे आएगा चूज फाइल लिखा रहेगा, चूज फाइल आप उस पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे, तो चूज फाइल पे क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि आपको ऐसे ढेर ऐसे ऐसे स्क्रीन खुलेगी, उस पर नीचे कैमरा लिखा होगा, फोल्डर लिखा होगा, गैलरी लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, अगर तो हम तुरंत क्लिक करना है आपको तो कैमरे पे जाइए, अगर आप क्लिक करके अपने गैलरी में रखे हुए तो गैलरी में चले जाइएगा, नहीं तो अगर आप वैसे तो बेस्ट जान देखो क्या होता है कि तुरंत आप लिखिए दो क्वेश्चन, तुरंत क्लिक करना है, सीधे ये खोला क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डाला, चूज़ फाइल किया, चूज फाइल में अपने कैमरे पे गए, कैमरे पे लेके जैसे क्वेश्चन पेपर है उजाले भी करिएगा आप लोग, और देखिएगा कि कहीं से भी कटे ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाए पेज के अलावा, लेकिन कहीं से कटे ना, ऐसे करके ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, फिर वो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ ना अपलोड का लिखा रहेगा कि अपलोड, उस पर क्लिक कर देंगे, अपलोड ऐसे यहाँ पे ब्लॉक बना के अपलोड दिखाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे दिखाएगा कि इतना परसेंट करके पूरा अपलोड हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा पेज, अब पहला पेज हुआ तो यहाँ आ जाएगा कि आपका पहला पेज अपलोड हुआ है, लिख देगा फर्स्ट पेज, फिर यानी आपने क्वेश्चन 4th किया था ना, हाँ देखो तो पहला पेज, ठीक। आपने फिर क्या किया, आपको दूसरा पेज करना है, फिर गए क्वेश्चन नंबर, फिर 4 ही क्लिक किया क्योंकि 4 का ही हमें सेकंड करना, फिर पेज नंबर खुलेगा, सेकंड कर लिया, फिर चूज फाइल गए, फिर दूसरा पेपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपलोड का बटन पर क्लिक किया, अपलोड हुआ धीरे धीरे वो अपलोड हो गया, फिर क्या, फिर यहाँ क्या शो होने लगेगा, 1 की जगह 2 शो होने लगेगा, फिर क्या गए, फिर गए सेम पे क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर क्लिक किया क्योंकि अभी 3 पेज में सबमिट करना है ना क्वेश्चन का, फिर पेज नंबर पे गए, उस पेज नंबर उस पर 3 पे क्लिक करेंगे, तीसरा है, फिर चूज फाइल किए, क्लिक किए कैमरे से, फिर अपलोड किए, फिर अब क्या दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मानो हम दूसरे क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर 7 पे गए, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लिक किया, पेज नंबर पहला रहेगा,
उसके बाद में चूज़ फाइल किया, अपलोड पे गए, फ़ोटो को नीचे अपलोड किया, समझ गए? ये प्रोसेस रहता है पूरा। और करने के बाद अगर आपका हो गया है टाइम से पहले पेपर, बहुत ही रेयर केस में होता है पर हो जाता है, कई बार चीज़ें हो जाती हैं, जल्दी हो जाता है। तो अगर आपका पेपर पहले हो जा रहा है, आराम से मिनिमाइज़ कर दीजिए अपने फ़ोन में और आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मिनिमाइज करके वो जब टाइम ओवर होगा खुद ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, तो इसमें कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 सबमिट किया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने गलत सबमिट कर दिया, 1 को 2 में कर दिया, 2 को 1 में कर दिया, ठीक, तो आप यहाँ डिलीट ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करेंगे, पूछेगा डिलीट करना है, आप बस डिलीट पर दबा दीजिएगा, वो आपका डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे करना था वैसे फिर से आप कर देंगे। और ये जो आपको बताया यहाँ क्वेश्चन पेपर रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो PDF के फॉर्म में आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा खुल जाएगा। उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, या ऊपर ऐसे ऊपर ऑप्शन होता है डाउनलोड का, उसे डाउनलोड कर लें अपने ही फ़ोन में PDF के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होगी आपको, क्या हो, कभी कभी पोर्टल हैंग करता है, और हाँ यहाँ पे ना टाइमिंग शो होती रहती है, ऐसे रेड कलर का रहता ना रहता है, उसमें लिखा होगा लेफ्ट, मतलब कितना टाइम आपका एग्ज़ाम ओवर होने में बचा है, ठीक। और ये भी याद रखिएगा कि पोर्टल बहुत ज़्यादा हैंग करता है रह रह के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराइएगा मत। आप टीचर से कॉन्टैक्ट रखिएगा कि मतलब कि क्या, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अब बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, क्योंकि क्या होता है ना कि, और आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ही सबके पोर्टल में, क्योंकि किसी किसी का पेपर भी नहीं आता, किसी किसी के उस पर किसी किसी का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबकी चीज़ें हो जाती हैं। क्या हम लोग में क्या होता था, किसी किसी का पेपर नहीं आता था, तो कोई भी लड़की एक लड़की क्या करती थी, जिसका पेपर खुल गया सबसे पहले स्क्रीन शॉट लेके वो सेंड कर देती थी ग्रुप में, अगर जिसका नहीं आया ग्रुप से देख लेगा क्वेश्चन, और ये चीज़ें होती थी और आराम से ये हो जाता था। और ये चीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा कि पहले एक दो क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन करके अपलोड कर दिए, क्योंकि कब लास्ट टाइम में बहुत ही सब लोग करता रहता था, पोर्टल थोड़ा हैंग करता है और टाइम भी थोड़ा सा कभी कभी गलत शो करने लगता है, कभी कभी रेयरली, वरना हमेशा सही रहता है। बाकी आप लोग ये 11 बजे से 3 बजे का फॉलो करिएगा आराम से, और कोई वो नहीं है। और हाँ, अब आपको क्या बताना है अगर इस पोर्शन में कि कैसे क्या करना है, अगर इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम रह गई है तो बताइएगा आप हमसे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर आपको बताया मिल जाएगा, बाकी सब बताती है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कि कैसे करना है हमें पेपर अपलोड, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के आपको उसको और क्लियरली बता दूँगी। ये चीज़ इतनी हुई, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15.5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 पेज में लिखना है, A4 साइज पेपर होना चाहिए, टाइमिंग 11 बजे से 3 बजे का है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि फ्रंट पेज पे क्या लिखना है। फ्रंट पेज पे जैसे आपका ये A4 साइज पेज है, ठीक, ये A4 साइज पेज है, ठीक, A4 साइज आपका पेज है, इस पर क्या करना है कि जो क्या करना होता है ना कि एक लाइन जो पहला पेज, सिर्फ पहले पेज पे ही करना होता है, आप ऐसे खींच लेंगे जितने भी आप पढ़ते, उसमें सबसे पहले अपना नेम जो आपका नाम है, फिर आपके कोर्स का जो नाम है, सॉरी कोर्स बस लिख दिया, कोर्स नेम लिखा होता है, वो जब आप पढ़ेंगे ना इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लिखना है, नेम, कोर्स नेम, फिर सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर आपका, तो पहला सेमेस्टर है, चाहे जिसका भी जो भी सेमेस्टर हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सेमेस्टर जो भी हो सेमेस्टर आप लिखिएगा, उस एग्जामिनेशन रोल नंबर, ऐसे छोड़िए मैं आपको ना बड़े में लिख के, आप समझ लीजिए कि A4 साइज ये पेपर है, ऐसे आप डिवीजन कर लेंगे, उसमें आप कैसे लिखेंगे हम बड़े में लिख दे रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। हम सारा इन्फॉर्मेशन पहले ये लिख दें, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से हम आपको लिख देंगे एक जगह, और आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बट आप वो सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से, क्या क्या लिखना होगा आपको। सबसे पहले आपको खुद का नेम, ठीक, फिर दूसरा आपको लिखना होगा कोर्स नेम, फिर तीसरा ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, तीसरा में आपको लिखना होगा सेमेस्टर, फिर आपको तीसरे में लिखना, अरे सॉरी चौथे में लिखना होगा
एग्जामिनेशन रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर की बात क्या, देखिए नेम में अपना नेम, कोर्स नेम में आप लिखेंगे एग्जामिनेशन और नेम में अपना नेम जो भी है, आप कोर्स नेम जो आपका कोर्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, जो भी है, सेमेस्टर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा आपका पहला है, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपको मिला होगा, जैसे 1924 SOC 046 1923 SOC 4, जैसे पॉल साइंस वालों में POL लगा होगा, सोशोलॉजी वालों में SOC लगा होगा, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके लगा एक रोल नंबर मिला होगा आपको, वही आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है, वो इसके बाद लिखना है। फिर पाँचवें में आपको क्या लिखना है, फिर पाँचवें में आपको लिखना है पेपर कोड लिखना है, क्या लिखना है पेपर कोड। फिर छठवें में क्या लिखना है पेपर टाइटल, पेपर कोड मतलब कि हर एक पेपर जो आपका पेपर हो रहा है ना उसका एक कोड होता है, जैसे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना उस पर उसका कोड लिखा होगा कि जिसका कोड ये ऐसे होगा, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं BSS 222 या BSH 212, ऐसे कोड होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दी हूँ, यहाँ पर पता नहीं कोड है कि नहीं, मेरे दिमाग में था ये कुछ कोड, तो इसी पैटर्न में होता है आपका कोड। ठीक, तो आपको पेपर कोड लिखना होगा। फिर पेपर टाइटल, पेपर टाइटल मतलब हर एक पेपर का अपना टाइटल होता है, आप अपने सिलेबस में देखेंगे ऊपर तो उसमें लिखा होगा आपके पेपर का टाइटल, वह लिखना पेपर टाइटल। जैसे आपको हिस्ट्री में बात करें तो क्या पढ़ना है आपको, आपको एंशियंट इंडिया पढ़ना है ना, तो एंशियंट इंडिया करा फ्रॉम इतना टू इतना करके कुछ ऐसे होगा आपका टाइटल, या आप आराम से तो वो टाइटल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा के आपको बताऊंगी तब आपको समझ आएगा। फिर पेपर टाइटल लिखना है, फिर लिखना पेपर कोड हो गया, पेपर टाइटल हो गया, फिर हाँ फिर डेट लिखना है आठवां, फिर नौवें में क्या, आठवां तो हो गया, फिर नौवें में क्या करना है, नौवें में को टाइम लिखना है, डेट हो गया, टाइम हो गया। अब दसवें में क्या लिखना है आपको, नहीं इतना ही, डेट टाइम और हाँ पेज नंबर। खैर आप फ्रंट पेज पे लिख रहे हैं तो पेज नंबर फर्स्ट होगा, पर कंपलसरी हर एक पेज पे अपना पेज नंबर, और हाँ ये तो आ रही फ्रंट पेज की बात, अपना नाम, कोर्स नेम मतलब आप क्या आर्ट्स है, सोशल साइंस है, सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर है पहला सेमेस्टर, और एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपको कॉलेज के द्वारा अलॉट किया होगा कैंपस से, पेपर कोड जो आप पेपर जिस चीज़ से जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो उस सब्जेक्ट का अपना एक कोड होगा। ठीक, फिर पेपर टाइटल, उस पेपर का जैसे कोड है वैसे टाइटल होगा, भी मैं आपको पेपर दिखा के आपको बता देती हूँ। फिर डेट, जो डेट पे आप पेपर देने जा रहे हैं और टाइमिंग क्या है आपकी, जैसे आपको बताया ना कि 11 बजे से 3:30 आपकी टाइमिंग है, सॉरी गलती लिख दी, 11 बजे से 3:30 आपकी जो है ना टाइमिंग है, और पेज नंबर पहला आपका रहने वाला है। ठीक, आप इतना जान लीजिए कि 10 चीज़ें आपको लिखनी है अपने A4 साइज को ऐसे ऊपर डिवाइड करने, ऐसे लाइन से लिखते जाएगा, पेज नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। और हाँ आपको जिसे दूसरा तीसरा चौथा पेज, उसमें आपको क्या करना होगा, जिसे तीसरे चौथे पेज में कि आप ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, बट आपको आपका पेज नंबर और आपका रोल नंबर ये हर एक पेज पे होना चाहिए, आपका पेज नंबर आपका रोल नंबर हर एक पेज पे लिखा होना चाहिए, पेज नंबर 2, 3, 4 जो भी है लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए हर एक पेज पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको पसंद गया कि आपके पेपर में फ्रंट पेज पे कैसे लिखना है, क्या है चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। और हाँ और भी जैसे आपको बताया कि मैं पेपर दिखा के पेपर कोड और पेपर टाइटल बता देती हूँ, तो वो मैं कर देती हूँ अभी, कर अभी तो वीडियो वैसे बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन आप मुझे कमेंट करिएगा मैं आपको पेपर कोड और पेपर टाइटल कैसे लिखते हैं, और आपके आप ठीक है मैं क्या करूँगी इसके बाद आपको एक वीडियो बताऊँगी जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट का पेपर कोड और उस पेपर का टाइटल आपके पूरे सब्जेक्ट वाइज लिखवा दूंगी हर एक सब्जेक्ट का। और अगर इसके अलावा आपको और कोई कंफ्यूजन है और कोई क्वेरी है आपके एग्ज़ाम से लेके तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन दे दूंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था कि यही सारी प्रॉब्लम आ रही
रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी हो सकता है मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, पेपर कोड वाली और पेपर टाइटल वाली बात है, नेक्स्ट वीडियो में हर एक सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर का है उसका कोड और उसके टाइटल मैं आपको लिखवा दूँगी, आप लिख लीजिएगा। जिस दिन आपका जो पेपर रहेगा आप आराम से कोड और टाइटल डाल के लिख लीजिएगा अपना। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, आपका जब पेपर शेड्यूल आ जाएगा तो हर एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करा दिया करूँगी कि आप उस पेपर को कैसे लिखना है, क्या करना है। हर एक पेपर के पहले एक पेपर, उस पेपर का वीडियो आएगा और आप कैसे डील करेंगे उस पेपर को, पूरा इंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको इससे ज़्यादा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो में अगर कुछ नया बनाऊंगी तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। जैसे ही आप वीडियो अपना ये क्लासेस लिखा हुआ मेरे वीडियो के नीचे, उसके जस्ट बगल में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सो क्लिक करते ही जब भी मैं अपना नया न्यू वीडियो लाऊंगी तो आपको तुरंत आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और ईजिली आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो देख लेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़।